हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, द्वारा, छोटे राज्यों से संबंधित जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे दल के घोषणा पत्र में छोटे राज्यों के निर्माण की मांग का समर्थन है, बल्कि इसलिए कि इन राज्यों की मांग वास्तव में यहाँ की जनता की मांग है। पैराग्राफ। मैं विशेष रूप से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह मांग आर्थिक विकास की मांग को पूरा करने के लिए है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि आज़ादी के बाद देश में भाषा को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि उस समय भाषा मुख्य बात थी और उस समय उठाया गया वह कदम स्वाभाविक भी था। एक भाषा जानने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहें, इससे उनका विकास सरल होता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी उन्नत होती है। इस बात को बहुत समय बीत गया है, अब यह लग
रहा है कि भाषा के आधार पर बने हुए राज्य बहुत बड़े हैं और उन्हें संभालना भी कठिन हो रहा है तथा विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से भी वे ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो मांग हो रही है वह आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए और प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए हो रही है। मेरी दृष्टि में छोटे राज्य इनमें सहायक सिद्ध होंगे और अब समय आ गया है कि छोटे राज्यों के निर्माण के सवाल पर सदन में गंभीरता से विचार होना चाहिए। पैराग्राफ, यह धारणा गलत है। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि छोटे राज्यों के निर्माण से देश कमजोर हो जाएगा। असल में छोटे राज्यों का निर्माण देश की प्रगति में सहायक होगा। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूँ कि यदि इस राज्य का परिस्थितियों के अनुसार विभाजन किया जाता है तो उसका असर उसके पड़ोसी राज्यों पर नहीं पड़ेगा। विभाजन से मेरा आशय देश के टुकड़े करने से नहीं है, बल्कि राज्यों के पुनर्गठन से है। विभाजन तो तब पैदा होता है जब देश का कोई भाग देश से
बाहर जाने की गलत कोशिश करता है। इस प्रकार जब जिलों का निर्माण होगा तो देश के राजनैतिक ढांचे और देश के संविधान के अनुसार होगा। राज्य ने इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया है। केंद्र में दूसरे दल की सरकार के कारण से उसने राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब जबकि इस आधार पर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया गया है तो आगामी चुनाव में यह हमारे दल का एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो उस क्षेत्र के लोगों से हमें पूरा समर्थन मिलेगा। स्टॉप। फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिस विद डिक्टेशन एंड इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल सो यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो फर्स्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हेलो।